हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ करते हो और उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपका इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा, या फिर आप कुछ भी ऑनलाइन देखते हो, गूगल पे, यूट्यूब पे, आप कहीं पे भी देखते हो, आपका बहुत ही ज़्यादा रुक के चलता है, या फिर आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो जैसे कि पबजी या फिर फ्री फायर, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पिंग हाई हो रहा है, गेम भी बहुत ही ज़्यादा लेग कर रहा और आप बिल्कुल ही परेशान हो, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल का एक ऐसा APN सेटिंग बताऊंगा जिसको अगर आप अपने मोबाइल पर सही से कर लोगे तो आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, इंटरनेट भी आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेगा, एंड आप गूगल पे, यूट्यूब पे कुछ भी देखोगे बहुत सही से चलेगा, गेम भी आप जब खेलोगे तो आपका पिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, बिल्कुल ही नॉर्मल पिंग पे चलेगा, गेम भी लेग नहीं करेगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, एंड जो APN सेटिंग मैं बता रहा हूँ उसको आप सही से अपने मोबाइल पर जो से अप्लाई करना। तो चलिए बताता हूँ कि कौन सा APN सेटिंग है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल का जो सेटिंग है उस पर आपको आ जाना है, सिम कार्ड नेटवर्क सेटिंग मिलेगा, आप ऊपर नीचे करके देख लेना कहीं पे भी, सिम कार्ड नेटवर्क सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिम 1 सिम 2 जिस पे आपका एयरटेल का सिम कार्ड लगा हुआ है, जिस पे APN सेटिंग को करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप नीचे की साइड आप आओगे तो आपको मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपका जो डिफॉल्ट एक्सेस पॉइंट नेम रहेगा, जो APN रहेगा, वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। सिम पहले जो मतलब पहले से सिलेक्ट किया हो वो आप सिलेक्ट कर लेना, एंड जो पहले से APN बना हुआ है उसी में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है, कोई अलग से APN नहीं बनाना है। तो नेम पे आप देख सकते हो एयरटेल मोबाइल ऑफिस इंटरनेट है, और APN पे आप देख सकते हो एयरटेल GPRS.com है, प्रॉक्सी भी मतलब नॉट सेट है तो उसको नॉट सेट ही रहने देना है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पोर्ट के अंदर क्लिक करना है, पोर्ट पे आपको क्या करना है 8080 यहाँ पे आपको लिखना है, सिंपली 8080 लिख के यहाँ पे आपको ओके कर देना है, एंड आपको उसी के नीचे मिलेगा यूज़र नेम, यूज़र नेम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे मैं जैसा लिखता हूँ आपको भी ऐसा लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है स्पीड बॉट V3X, जैसे मैं लिखता हूँ स्पीड बॉट, सब कुछ स्मॉल लेटर में एक साथ मतलब कि लिखना है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, एंड यहाँ पे आपको स्पीड बॉट V3X लिख के आपको ओके कर देना है। एंड आपको क्या करना है, सर्वर मिलेगा, सिंपली सर्वर पे क्लिक करना है। सर्वर पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है airtellive.com, जैसे मैं लिखता हूँ airtellive.com, जैसे मैंने लिखा बिना स्पेस दिए सब कुछ स्मॉल लेटर में, आपको भी ऐसा लिख के ओके कर देना है। एंड ओके कर देने के बाद आपको मिलेगा MMSC, उसको छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी उसको भी छोड़ देना है, MMS पोर्ट उसको भी छोड़ देना है, MCC, MNC ये आपके एरिया वाइज मतलब अलग अलग कोड होता है तो इसको भी नहीं छोड़ना है। ऑथेंटिकेशन टाइप मिलता है, सिंपली आपको क्या करना है ऑथेंटिकेशन टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे पैप और चैप लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। APN प्रोटोकॉल मतलब कि आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना, यहाँ पे भी IPv4 IPv6 को सिलेक्ट करके रखना, एंड APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी IPv4 IPv6 को सिलेक्ट करके रखना है। एंड इसके बाद आपको मिलता है बेयर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इस पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको अनस्पेसिफाइड से अनटिक कर देना है LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, इसके बाद EDGE, GPRS, इनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाय चांस अगर आपके मोबाइल में इतना सारा बेयरर सपोर्ट नहीं कर रहा तो जितना भी बेयरर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सबको आपको एक एक करके अनटिक कर देना है। अगर एक ही सपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ एक को ही रखना, जैसे कि LTE को रखना, और बाकी अगर सपोर्ट कर रहा है सब बहुत सारा तो जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सबको यहाँ पे टिक कर लेना है GPRS तक, सिर्फ UMTS को छोड़ देना है। एंड इसके बाद इसको राइट कर देना, एंड इसके बाद आप क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल को यहाँ पे फ्लाइट मोड करना एंड उसको ऑफ कर देना। इसके बाद आप यूज़ करोगे आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो ये APN सेटिंग को करने के बाद अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जोर से बताना, एंड अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो भी आप मुझे कमेंट करके जोर से बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छा APN सेटिंग आपके लिए लेके आ सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।